आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी शुक्रवार को मेरठ सहित हापुड़, गाजियाबाद और बुलंदशहर में जनसभा करेंगे। इन जिलों में दूसरे चरण में चुनाव है। गुरुवार को वेस्ट यूपी के कुख्यात अनिल दुजाना का मेरठ में एसटीएफ ने एनकाउंटर कर ढेर कर दिया। दूसरे दिन योगी यहाँ जनसभा करने आ रहे हैं। ऐसे में सियासी माहौल और गर्मा गया है। योगी एक साथ चार जिलों में सभा कर वहां मतदाताओं को साधेंगे और भाजपा के प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे। मेरठ के जिमखाना मैदान, हापुड़ के रामलीला मैदान, दिल्ली रोड बुलंदशहर के नुमाइश मैदान और गाजियाबाद के कबीर नगर रामलीला मैदान में योगी की जनसभाएं होंगी। बता दें कि सीएम योगी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं आज गाजियाबाद बुलंदशहर में चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें कि दूसरे चरण के चुनाव को देखते हुए सीएम योगी का धुआंधार प्रचार देखने को मिलेगा। दूसरे चरण को लेकर सीएम योगी एक बार फिर से तैयारियों में नजर आ रहे हैं। हापुड़, मेरठ में चुनावी जनसभाएं करेंगे सीएम योगी। वहीं गाजियाबाद बुलंदशहर में भी चुनावी प्रचार होगा। बता दें कि पहले चरण का मतदान कल यानी 4 मई को हुआ, वहीं दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। वहीं निकाय चुनाव के मतदान को देखते हुए सीएम योगी दूसरे चरण के लिए खुद मैदान में एक बार फिर से उतरे हुए हैं और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की जनता से अपील करेंगे। आपको एक बार फिर से बता दें कि मेरठ सहित हापुड़, गाजियाबाद और बुलंदशहर में जनसभा करेंगे। इन जिलों में दूसरे चरण में चुनाव है। गुरुवार को वेस्ट यूपी के कुख्यात अनिल दुजाना का मेरठ में एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया था। वहीं दूसरे दिन योगी यहां जनसभा करने आ रहे हैं। ऐसे में सियासी माहौल गर्मा गया है। योगी एक साथ चार जिलों में जनसभा कर मतदाताओं को साधने और प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे। वहीं आपको बता दें कि मेरठ के जिमखाना मैदान, हापुड़ के रामलीला मैदान, दिल्ली रोड बुलंदशहर के नुमाइश मैदान और गाजियाबाद के कबीर नगर रामलीला मैदान में योगी की जनसभाएं होंगी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, मुख्यमंत्री के आज चार जिलों के दौरे हैं, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ उनके कार्यक्रम होंगे? और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नौ मंडल में जो चुनाव हुए हैं, नौ मंडल चुनाव के जो जिले आ रहे थे उन जिलों से करीब 22 जिलों में उन्होंने भ्रमण किया और जनसभाएं की और जनसभाओं को संबोधित किया और कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने का काम भी किया। अब दूसरा चरण जो शुरू हो गया है उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ और हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर इन चार शहरों में अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। इन जिलों में जो जनसभाएं होंगी वो दूसरे चरण के चुनाव को लेकर के जनसभाएं करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जनसभाएं लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है वो कहीं ना कहीं बेहद खास मानी जा रही है। जो उनके वोटर्स हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटिबद्ध हैं और वो उस जगह पे पहुंच रहे हैं जहां पर वो चुनावी जनसभाएं हो रही थी। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है मयूरी, जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश के 9 मंडलों में चुनाव हुआ है, 37 जिलों में जो चुनाव हुए हैं वहां पर वोट प्रतिशत बहुत कम आका गया है। इसका सबसे बड़ा कारण भी निकल करके सामने आ रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम की गड़बड़ी को लेकर के ये सब समस्याओं का सामना भुगतना पड़ रहा है वोटर्स को। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में दौरा करेंगे, उसमें मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद और बुलंदशहर में इनकी जनसभाएं होंगी। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि गुरुवार को यूपी का जो कुख्यात अपराधी था अनिल दुजाना वो मेरठ में एसटीएफ एनकाउंटर में ढेर हुआ है। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जनसभा है वो बेहद खास मानी जा रही है। अब आज ये जनसभा अभी बात होगी, उसके बाद किस तरीके से ये वोट बैंक को साधने में काबिज हो पाते हैं इन चारों शहर, चारों जिलों में, ये देखने वाली बात होगी। भाई रितेश, जिस तरह से सीएम योगी आज चार जिलों के दौरे पर रहेंगे और तमाम कार्यक्रम, तमाम संबोधन भी करेंगे, तो किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है? सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं?
देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब कोई कार्यक्रम होता है या कोई संबोधन या जनसभा कहीं होती है तो वहां पर प्रोटोकॉल पहले से पहुंच जाता है, वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद होती है। इस तरीके से पीएससी के कमांडर्स भी लगाए जाते हैं, पीएससी की पूरी कंपनी लगाई जाती है और जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस भी तैनात है। हालांकि चुनाव आचार संहिता चल रही है उसको लेकर के भी चर्चा बढ़ती जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के जिलों में लग रहे हैं वो बेहद खास माने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतः अपने आप को इस निकाय चुनाव के लिए खड़ा किया है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए, वो पूरी तरीके से सजगता से कार्य कर रहे हैं और उनके जितने भी नेता हैं, जितने उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी जगह जगह और जिलों में भ्रमण कर रहे हैं। तो आज का जो कार्यक्रम इनका चारों जिलों में है वो बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वोट बैंक है उसको साधने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही काबिज हो पाएंगे, उसको लेकर के उनका कार्यक्रम आज चार जिलों में लगाया गया है। फिलहाल अगर पुरानी बात करी जाए तो नौ मंडल के जो चुनाव हुए हैं बिहार में कल जो समाप्त हुए हैं, 37 जिलों में चुनाव था, 22 जिलों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 दिनों में कवर किया। इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिलों तक वो पहुंच रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जी धन्यवाद रितेश हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है, वहीं दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा और इसको देखते हुए सीएम योगी एक बार फिर से मैदान में उतरे हुए हैं और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में आज वो तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे, तमाम जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने प्रत्याशियों के हक में जनता से वोट की अपील करेंगे। बता दें दूसरे चरण को लेकर सीएम योगी का तूफानी दौरा आज होगा, हापुड़ मेरठ में चुनावी जनसभाएं करेंगे सीएम योगी, गाजियाबाद बुलंदशहर में भी चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें कि सीएम योगी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं कार्यक्रम को लेकर। बता दें दूसरे चरण को लेकर सीएम योगी का तूफानी दौरा लगातार जारी है और आज फिर से सीएम योगी 4 जिलों के दौरे पर हैं और इसको लेकर तमाम तैयारियां भी की गई हैं। हापुड़ मेरठ से चुनावी जनसभाएं होंगी। आपको बता दें कि कल पहले चरण का मतदान हो गया है, 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा, वहीं दूसरे चरण के मतदान को देखते हुए सीएम योगी एक बार फिर से मैदान में उतरे हुए हैं। बता दें कि आज सीएम योगी मेरठ सहित हापुड़, गाजियाबाद और बुलंदशहर में जनसभा करेंगे, इन जिलों में दूसरे चरण में चुनाव होने हैं। वहीं चुनाव को देखते हुए सीएम योगी एक बार फिर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बता दें कि गुरुवार को बेस्ट यूपी के कुख्यात अनिल दुजाना का मेरठ में एसटीएफ ने एनकाउंटर का ढेर कर दिया, दूसरे ही दिन योगी यहां जनसभा करने आ रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े किए गए हैं। बता दें कि निकाय चुनाव को देखते हुए कोई भी दल, कोई भी पार्टी, कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, वहीं भारतीय जनता पार्टी एकदम से एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम योगी खुद मैदान में उतरे हुए हैं, अपने प्रत्याशियों के हक में वोट की अपील कर रहे हैं, लगातार जनता से वोट की अपील कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तमाम कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और बुलंदशहर से हमारे संवाददाता विशाल हमसे जुड़ चुके हैं। विशाल, सीएम योगी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कल पहले चरण का मतदान हो गया है, अब दूसरे चरण का मतदान होगा, उसी को देखते हुए सीएम योगी एक बार फिर से दौरे पर हैं, बुलंदशहर में उनका क्या कुछ कार्यक्रम होगा, क्या कुछ पूरा शेड्यूल है? मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और मेरठ मंडल और हापुड़ और बुलंदशहर, उसके बाद में गाजियाबाद का दौरा करेंगे, जिसमें कि सत्तरह निकाय चुनावों में उनके प्रत्याशियों को लेकर 341 सभासदों को लेकर उनको संबोधित करेंगे और उनके हक में वोट मांगी जाएगी। जिस तरह से हम योगी कार्यक्रम में शामिल होंगे, किस तरह से तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली गई है और चप्पे चप्पे पे प्रशासन नजर लगाए करे हुए है, कहीं ना कहीं प्रशासन कल से ही तैयारियों में जुट गया था और आज भी तैयारी पे जगह जगह पे पुलिस तैनात की गई है। विशाल, देखिए बुलंदशहर में दूसरे चरण में मतदान होगा तो निकाय चुनाव की देखते हुए वहां कैसे स्थिति बनी हुई है, किसका दबदबा देखने को मिल रहा है, कौन किसको टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है? मयूरी जी, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर एक भाजपा के उसमें माना जाता है, जहां
बीजेपी की एक सीट निकाल चुकी थी बुलंदशहर से, उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं बसपा और बहुजन भाजपा कब की टक्कर दिखाई दी जा रही है। जी धन्यवाद विशाल हमसे जुड़ने के और तमाम जानकारियों के लिए। पता नहीं गाजियाबाद बुलंदशहर और तमाम जिलों में आज सीएम योगी प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं हापुड़ मेरठ में भी चुनावी जनसभाएं होंगी। चुनाव को देखते हुए सीएम योगी तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे। दूसरे चरण को लेकर सीएम योगी एक बार फिर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। एक बार फिर से सीएम योगी का तूफानी जनसभा देखने को मिलेगा। बता दें दूसरे चरण के मतदान को देखते हुए सीएम योगी एक बार फिर से मैदान में उतरे हुए हैं। बता दें योगी एक साथ चार जिलों में सभा कर वहां मतदाताओं को साधने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। भाजपा के प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे। मेरठ के जिमखाना मैदान, हापुड़ के रामलीला मैदान, दिल्ली रोड बुलंदशहर के नुमाइश मैदान और गाजियाबाद के कबीर नगर रामलीला मैदान में योगी की जनसभाएं होंगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आज चार जिलों के दौरे पर हैं। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पूरी तरह से कार्यक्रम की तैयारियां कर ली गई हैं। और मेरठ से हमारे संवाददाता राजन हमसे जुड़ चुके हैं। राजन, सीएम योगी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप मेरठ में मौजूद हैं जहां सीएम योगी के आज तमाम कार्यक्रम होंगे, क्या कुछ पूरा शेड्यूल है? देखिए मयूरी, निकाय चुनाव दूसरे चरण का होने जा रहा है और उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेरठ मंडल का दौरा है आज। सबसे पहले 10 बजे लखनऊ एयरपोर्ट के जरिए वो गाजियाबाद एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद में वहां से अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर के माध्यम से हापुड़ में जो होने वाली जनसभा है 12 बजे उसको संबोधित करने हापुड़ पहुंचेंगे। 12 बजे के बाद में हापुड़ से अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो मेरठ पहुंचेंगे, मेरठ पुलिस लाइन पर, और उसके बाद वहीं से 7 मिनट का रास्ता है जिमखाना मैदान का, जहां पर एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है, उस जनसभा को संबोधित करेंगे। क्योंकि दूसरे चरण का जो निकाय चुनाव है उसमें मेरठ मंडल की जनता को साधने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी और हरिकांत आलूवाले यहां से मेयर पद के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में जनसभा संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां पर लोगों को विकास कार्य और हिंदुत्व की धार देंगे और विकास कार्य की जो योजनाएं हैं उन्हें धरातल पर उतारा है किस तरीके से योगी सरकार ने, उसके बारे में भी बताएंगे। क्योंकि निकाय चुनाव स्थानीय चुनाव है तो स्थानीय चुनाव में जो जो विकास कार्य होते हैं और कितने महत्वपूर्ण ये चुनाव होता है, लोगों को मतदान करना चाहिए, उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ सीधा सीधा यहाँ पर जो है संबोधित करेंगे। यहाँ पर काफी भारी संख्या में सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और जनसभा को संबोधित करने के लिए मंच पर साझा करेंगे भूपेंद्र सिंह, जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी यहाँ पर शामिल रहने वाले। वहीं सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से चारों दिशाओं में, जहां पर वो मैदान है जिमखाना मैदान, उसके चारों दिशाओं में रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और वहां पर जगह जगह पुलिस तैनाती कर दी गई है। बैरिकेडिंग के जरिए वहां पर चेकिंगें हो रही हैं और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ड्रोन और सिविल वर्दी में यहां पर पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाएंगे। यहां तक कि कई दुकानों पर आसपास की और कई घरों पर पुलिसकर्मी वहां पर तैनात रहेंगे और बिल्कुल पुलिस और प्रशासन पूरे तरीके से बिल्कुल अलर्ट है। और दूसरे चरण का चुनाव है मेरठ मंडल के चार जिलों में, ये जनसभाएं संबोधित होंगी। जी मयूरी जी, राजन देखें कि यूपी के कुख्यात अनिल दुजाना का मेरठ में एसटीएफ ने एनकाउंटर का ढेर कर दिया था, वहीं सीएम योगी अब जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो क्या लगता है इस मुद्दे पर सीएम योगी बात कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए एसटीएफ का स्थापना दिवस था कल और उसी उपलक्ष्य में उन्होंने जो है अनिल दुजाना की मुठभेड़ में उसकी हत्या कर मर्डर उसका मुठभेड़ में उसे ढेर कर दिया है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफिया चाहे कोई भी उसे मिट्टी में मिला देंगे, तो बिल्कुल लगातार मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अनिल दुजाना अपने साथियों के साथ में स्कॉर्पियो में जा रहा था तो उसने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस पर जब उसने फायरिंग की तो पुलिस जवाबी फायरिंग में वो ढेर हो गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अतीक अहमद से लेकर अनिल दुजाना तक की जो मुठभेड़ में ढेर किए गए हैं उन सबकी चर्चाएं भी हो सकती हैं। लोगों को बताया जा सकता है कि योगी सरकार में कितना अच्छा काम हो रहा है, मुठभेड़ में बदमाश ढेर किए जा रहे हैं, जो लगातार माफिया राज था वो बिल्कुल खत्म किया जा रहा है, बिल्कुल हो सकता है ये भी मंच से बात की जाए। राजन, मेरठ में दूसरे चरण में मतदान होगा तो अगर मैं वहां के निकाय चुनाव को देखते हुए बात करूं तो मेरठ में किसका दबदबा नजर आ रहा है, कौन किसको टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए मेरठ में समाजवादी पार्टी से अतुल प्रधान विधायक हैं सरदना विधानसभा से, और उनकी मिसेज जो है सीमा प्रधान वो मेयर पद की प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी से, और भाजपा से हरिकांत आहलूवालिया है। इन दोनों की बिल्कुल टक्कर नजर आ रही है, दोनों एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। और बाकी मैदान में यहाँ पर चाहे बसपा से हशमत मलिक की बात करूं, चाहे आम आदमी पार्टी से ऋचा सिंह की बात करूं, और चाहे असीम कुरैशी की बात करूं कांग्रेस से, वो यहाँ पर बिल्कुल मैदान में नजर नहीं आ रहे। मैदान में सिर्फ साइकिल और फूल का जोर है। अब देखना यह है कि जो मतगणना होगी उसमें आखिर किसका रिपोर्ट कार्ड बन के आता है और मेरठ का मेयर कौन निकल कर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। मयूरी जी बिल्कुल धन्यवाद राजन तमाम जानकारियों के लिए। गाजियाबाद बुलंदशहर में सीएम योगी आज जनसभा करेंगे। दूसरे चरण को लेकर सीएम योगी का तूफानी दौरा लगातार जारी है। हापुड़ मेरठ में चुनावी जनसभाएं होंगी, वहीं गाजियाबाद बुलंदशहर में भी चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर बीजेपी का तूफानी प्रचार लगातार जारी है। वहीं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक आज पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर में जनसभा करेंगे। पीलीभीत के पूरनपुर रामलीला ग्राउंड में जनसभा करेंगे, साथ ही आज दोपहर 12:55 पर बरेली के सिविल लाइन में जनसभा करेंगे। इसके अलावा दोपहर 2:20 पर शाहजहांपुर के गांधी हॉल सभागार में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी का लगातार चुनावी प्रचार जारी है, वो जहां एक तरफ सीएम योगी मैदान में प्रत्याशियों के लिए उतरे हुए हैं, वहीं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी आज तमाम जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे, पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर में जनसभा करेंगे। बता दें आज पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम। पीलीभीत के पूरनपुर रामलीला ग्राउंड में जनसभा होगी, साथ ही आज दोपहर 12:55 पर बरेली के सिविल लाइन में जनसभा करेंगे। इसके अलावा दोपहर 2:20 पर शाहजहांपुर गांधी हॉल जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान कल यानी 4 मई को हुआ, वहीं दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। वहीं इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के लिए मैदान में उतरी हुई है और जनता से वोट की अपील कर रही है लगातार। चाहे वो सीएम योगी हो, फिर चाहे वो डिप्टी सीएम हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता मैदान में उतरे हुए हैं। चुनाव को देखते हुए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। बता दें कि इस बार की निकाय चुनाव की लड़ाई काफी दिलचस्प मानी जा रही है। वहीं बीजेपी का लगातार तूफानी प्रचार जारी है। बता दें शाहजहांपुर के गांधी हॉल में सभागार में जनसभा करेंगे। तमाम कार्यक्रम में डिप्टी सीएम शामिल होंगे। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की ताबड़तोड़ रैलियां लगातार जारी हैं और आज भी तमाम जिलों में डिप्टी सीएम तमाम रैली करेंगे, तमाम जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर में लगातार कार्यक्रम करेंगे। बता दें निकाय चुनाव को देखते हुए कोई भी दल, कोई भी पार्टी, कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता खुद सीएम योगी मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी आज तमाम जिलों में जनसभा करेंगे, जिसमें पीलीभीत और तमाम जिले हैं जिसमें चुनावी प्रचार करेंगे। बता दें डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे, पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कल पहले चरण का मतदान हो चुका है, वहीं 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा और 13 मई को
रिजल्ट आ जाएंगे। बता दें कि इस बार की लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प मानी जा रही है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी निकाय चुनाव में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। लगातार बड़े दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं और अपने प्रत्याशियों के हक में वोट की अपील कर रही हैं। बताने पीलीभीत बरेली और शाहजहांपुर में जनसभा करेंगे। बीजेपी का तूफानी प्रचार लगातार जारी है। बता दें निकाय चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। वही बता दें डिप्टी सीएम भी आज तमाम जनसभा को संबोधित करेंगे, तमाम जिलों में रैलियां करेंगे। और पीलीभीत से हमारे संवाददाता अमित पाल हमसे जुड़ चुके हैं। अमित, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की ताबड़तोड़ रैलियां हैं, पीलीभीत में भी आज उनका दौरा है, क्या कुछ उनका कार्यक्रम होगा, क्या कुछ पूरा शेड्यूल? जो दौरा है 11 बजे उपस्थित हो जाएंगे यहाँ। और ताबड़तोड़ जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे के लिए, और पूरी जनसभा सिक्योरिटी की अगर बात की जाए यहाँ पर चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी मौजूद है। और जिसके बाद में कई पक्ष थोड़ा भाजपा का यहाँ पर कमजोर लग रहा था, जिसके बाद में जो बृजेश पाठक है वो जनसभा कर रहे हैं बराबर यहाँ पर। जो ताबड़तोड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग अभी तक फिलहाल उपस्थित नहीं हुए, कुछ ही क्षणों में यहाँ पर बिल्कुल जो है पूरी सभा भर सकती है और यहाँ पर ताबड़तोड़ जनसभा की जाएगी बृजेश पाठक के द्वारा। जो साथ में जतिन प्रसाद जो लोक निर्माण मंत्री है वो भी उपस्थित रहेंगे साथ में, और जो विधायक है यहाँ के बाबूराम पासवान वो भी उपस्थित रहेंगे जी हमको बताते चले। और बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर हर पूरी सुविधा उपलब्ध है, आप देख सकते हैं इधर दिखाइए कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे इसका पूरा व्यू दिखाइए, और इधर पीछे के लिए थोड़ा पीछे के लिए दिखाइएगा। और जो है यहाँ पर अभी तक उपस्थित नहीं हुए, कुछ टाइम थोड़ा लग जाएगा, जो टाइम दिया गया था लेकिन अभी तक उपस्थित नहीं हो पाए हैं। कुछ ही पलों में जो है उड़न खटोला उतरने वाला है जी हमको बताते चले। ये पूरनपुर से बड़ी अपडेट हमको बताते चले कि ये जो अभी तक जो टाइम था अभी उपस्थित होने वाले हैं, और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी है, और जहाँ से बैरिकेटर बना है अंदर आने के लिए सिक्योरिटी पूरी तरह से चेक की जा रही है, एक एक व्यक्ति को चेक करके अंदर आने का रास्ता मिल रहा है। अभी तक अगर मैं पीलीभीत की बात करूं तो यहां दूसरे चरण में मतदान होगा, तो यहां चुनाव को देखते हुए कैसे स्थिति बनी हुई नजर आ रही है, किसका दबदबा नजर आ रहा है, कौन किसको टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है? जैसे आपको बताते चले पुराने पहले जो चेयरमैन थे लल्लन उनका और जो सपा के प्रत्याशी हैं हाजी लाडले इनका थोड़ा इन लोगों का जो बराबर की टक्कर चल रही है। और अब देखा जाए कहीं तो आज जैसे कि निर्दलीय जो उतरे हुए हैं उनका अधिकतर ज्यादा दबदबा चल रहा है, जिसकी वजह से ये जो बृजेश पाठक है बराबर जिला पीलीभीत में बराबर जनसभा कर रहे हैं। और बताते चले यहाँ पर अच्छी तरह से जो लोग उपस्थित हो चुके हैं धीरे धीरे पहुंच रहे हैं जनसभा देखने के लिए, और चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी भी मौजूद है और हर प्रकार का जो है यहाँ पर व्यक्ति उपस्थित है हमको देख सकते हैं जी कैमरे में। और पीछे अभी पूरी तैयारियां चल रही है, लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं देख सकते हैं आप कैमरे में जी। अमित, जिस तरह हम देख रहे हैं तस्वीरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम है, डिप्टी सीएम वहां कब तक पहुंचेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे तो किन मुद्दों पर आज वो बात कर सकते हैं? जिसे जो आपको बताते चले कि यहाँ पर बस चुनाव जैसे चुनाव के लिए जो वोट मांगने के लिए आ रहे हैं उसी मुद्दे पर बात करेंगे। और अभी तक उनका कोई निश्चित टाइम नहीं हुआ, जैसे कि पहले तो निश्चित टाइम 10 बजे का था लेकिन अभी थोड़ा 10 से ऊपर टाइम हो चुका है, शायद 11 बजे तक उनकी आने की संभावना लग रही है। धन्यवाद अमित हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। बता दें बीजेपी का तूफानी प्रचार लगातार जारी है।
बता दें कि एक तरफ सीएम योगी मैदान में उतरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बता दें बीजेपी का लगातार तूफानी प्रचार जारी है, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और आज भी वो तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। अभी के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।